वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5 EVS के लेसन 20 हूज फॉरेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप सभी ने लेसन को पढ़ लिया होगा, तो चलिए इसकी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके और भी लेसन्स की वीडियो लिंक दिए हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या है? अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन देयर ओन। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ट्रीज जो है वो अपने आप उग जाते हैं और बहुत तरह के ट्रीज वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव गुड रेनफॉल। फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है। इन इंडिया फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन अपर हिमालयाज। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयाज में, अपर हिमालयाज, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिमालयाज और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आइसलैंड्स जो हैं वहाँ पर। स्लॉप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, तो इन सब जगहों पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर आदिवासीज? आदिवासी कौन है? पीपल हु लिव इन और नियर द फॉरेस्ट, जो लोग फॉरेस्ट में या फिर उनके पास रहते हैं एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और जो अपनी लिविंग के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर हैं आर कॉल्ड आदिवासीज, उन्हीं को हम आदिवासी कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, पीपल हु लिव इन और नियर द फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड ट्राइब्स और आदिवासीज, इनको ट्राइब्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्राइब्स इन इंडिया। इंडिया की जो मेन ट्राइब्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए, खरिया, भील्स, मुरियास, बिरहोर, बेगास, कतकरी, कोल, भरिया, खोंड, गोंड्स, ये सारी जो हैं मध्य प्रदेश की ट्राइब्स हैं। महाराष्ट्र, वर्लिस, खोंड, भैना, कटकरी, भुंजिया, रथावा, धोदिया, इस तरह से बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर पाई जाती है। इसी तरह से मणिपुर की भी यहाँ पर दी हुई है, तो ये सारी ट्राइब्स को आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शो भी कर रखा है, तमिलनाडु नीलगिरिस के आसपास जो है ये ट्राइब्स पाई जाती हैं। यहाँ पर ये पनियास, भाटकास और डोडास, ये सारी ट्राइब्स जो हैं वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की गोंड्स एंड भील्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग स्टेट्स की जो ट्राइब्स हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डू ट्राइब्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, एक्सप्लेन। जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो किस तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं वो बताना है। द ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, वुड, फोडर, मेडिसिन, शेल्टर एंड क्लोथिंग। दे आल्सो प्रोवाइड देम विद ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ट्राइबल पीपल जो हैं जंगल्स में से ही अपना खाना, लकड़ी, फोडर होते हैं जो एनिमल्स का खाना होता है, चारा जिसे बोलते हैं, मेडिसिंस, दवाइयाँ भी, क्योंकि फॉरेस्ट में जो हर्ब्स होती हैं उनके पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियों वाले जो पौधे होते हैं वो भी उनको वहीं से वो जो है अपनी मेडिसिंस भी ले लेते हैं। शेल्टर, रहने के लिए घर एंड क्लोथिंग, दे ऑल्सो प्रोवाइड देम विद ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, और वहीं से वो अपनी जीविका चलाते हैं। फूड में जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया है क्या क्या, टैमरिंड, कस्टर्ड एप्पल, आंवला, बेरीज एंड अदर वाइल्ड फ्रूट्स। दे आल्सो ईट रूट्स, स्टम्स, सीड्स, फ्लावर और ऑफ सम प्लांट्स। शेल्टर, वुड लीव्स एंड ट्विग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आर यूज टू देम टू बिल्ड अ हाउस। जो जंगल से उनको जो पत्ते होते हैं या टहने होते हैं उन्हीं से वो अपना घर बनाते हैं जंगल में। फॉरेस्ट्स आर होम
of many plants and animals and insects. Forests are also home to a number of tribal people. उसके बाद फ्यूल, कुकिंग के लिए जो फ्यूल चाहिए वहाँ की जो फॉरेस्ट से ही वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और उसी से अपना खाना बनाते हैं. फोडर, एनिमल्स के लिए ग्रास एंड लीव्स फ्रॉम प्लांट्स सर्व एज फोडर फॉर देयर एनिमल्स और मेडिसिंस. द ट्राइबल पीपल हैव साउंड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स फाउंड इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी जानकारी उनको होती है. आदिवासी लोगों को दे यूज़ नीम, सिंकोना एंड आमला टू क्योर डिजीजेज. अपनी बीमारियों के लिए वो इन सब जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. जैसे नीम है, सिंकोना है, आमला है, इन सभी को वो मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं. नेम फ्यू फॉरेस्ट प्रोडक्ट. फॉरेस्ट से और क्या क्या मिलता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. जैसे आप यहाँ पर वी कलेक्ट लीव्स टू मेक पेटल, लीव प्लेट बनाते हैं वो. लीव से ही अपनी प्लेट बना लेते हैं और उसी में खाना खाते हैं. वी मेक बास्केट्स फ्रॉम बाम्बूज, जो बाम्बू ट्रीज होते हैं उनसे वो बास्केट्स बनाते हैं. वी मेक फ्लूट फ्रॉम बाम्बूज और बाम्बू से वो फ्लूट, बांसुरी जो होती है वो भी बनाते हैं. रबड़ मिलता है रबड़ ट्रीज से. वी गेट टर्पेंटाइन गम्स एंड रेजिन फ्रॉम द ट्रीज. गम बनाने का जो प्रोडक्ट होता है वो भी वहीं से मिलता है. रेजिन भी एक तरह का प्रोडक्ट होता है जो कि स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है थोड़ा सा, वो भी ट्रीज से ही मिलता है. जो रेजिन जो है मेनली प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं. मतलब जो जंगलों की कटाई जो है चल रही थी बहुत लंबे समय से, लोग जो जंगलों को काटते जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसको बचाने के लिए कुछ रूल्स बनाए और कुछ जो है आंदोलन हुए, स्टेप्स उठाए गए, लोगों ने भी कुछ जो है मूवमेंट्स की, जिसकी वजह से जो है फॉरेस्ट को काटने से रोका गया. तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. द चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट थी जिसमें लोग जो है पेड़ों को काटने नहीं देते थे, वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे. इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया. इन दिस मूवमेंट पीपल हग द ट्रीज, ट्रीज को पकड़ के खड़े हो जाना, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट. और ये जो आंदोलन था, ये जो मूवमेंट थी, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट स्टार्टेड दिस मूवमेंट. ये मूवमेंट जो है सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट के द्वारा शुरू की गई थी. वन महोत्सव मनाया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू मोटिवेट पीपल टू प्लांट ट्रीज. लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं, इसलिए जो है उनको मोटिवेट करने के लिए ये वन महोत्सव मनाया जाता है. मोस्ट ऑफ द स्कूल आल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ जुलाई. और जुलाई के महीने में बहुत सारे स्कूल भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. हाउ आर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है. तो आंसर है, फॉरेस्ट आर यूज़फुल टू अस इन नंबर ऑफ वेज. बहुत सारे तरीक़ों से ये हमारे लिए यूज़फुल है. फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, एयर को प्योरीफाई करते हैं. ये तो हम सभी जानते हैं कि हाँ, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन जो एयर है वो प्योरीफाई होती रहती है. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. फॉरेस्ट आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रेनफॉल ऑफ ए प्लेस. और फॉरेस्ट की वजह से एक अच्छी रेनफॉल भी होती है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वुड, हमें लकड़ी देते हैं. वुड इज़ यूज और जो कि फर्नीचर, पेपर, शिप्स, बोर्ड्स बनाने में यूज़ होती है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू, केन, हनी, हर्ब्स, गम्स एट्सेट्रा. फॉरेस्ट से हमें और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे बैम्बू, केन, हनी, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, गम, जो गम बनाने के लिए जो स्टिकी प्रोडक्ट चाहिए होता है वो भी यहाँ से मिलता है. वट इज़ तोरंग. तोरंग जो है वो एक सेंटर का नाम है, जो कि सूर्यमणि, जो कि इस चैप्टर में गर्ल स्टार के बारे में बताया गया, सूर्यमणि, उसने ओपन किया था. सूर्यमणि ओपनड ए सेंटर टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल कुडुक म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल ऑफ आर कम्युनिटी. दिस इज़ कॉल्ड तोरंग. ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं, उन्हीं में से एक लड़की थी सूर्यमणि, जिसने कि अपनी कम्युनिटी के
म्यूज़िक, डांस और पेंटिंग स्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो एक सेंटर खोला था, जिसे उस उन्होंने क्या नाम दिया था, तोरंग। इस तरह से हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स किए। आई होप कि सभी को समझ में आए होंगे। आप सभी बच्चे जो इन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।